हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द कॉमर्स अंकल। तो अभी हमने एक वीडियो अपलोड किया ऑनलाइन एग्जाम की डेट के बारे में, तो मतलब उसके नीचे और कई बार एक कमेंट विद्यार्थियों की आती है कि भाई सेम वन के लिए इस साल कॉमर्स वालों के लिए यूजी एंड पीजी, दैट मीन्स अरे घनिवार तो बोलो मित्रों विद्यार्थियों यूजी एटले शू कहेवाय ने पीजी एटले शू कहेवाय एनो पण क्वेश्चन आवतो होय छे। तो यूजी એટલે મિત્રો કે અન્ડર ગ્રેજ્યુએશન અને પીજી એટલે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન, બીકોમ ને યુજી કહેવાય અને એમકોમ ને પીજી કહેવાય। આથી આપણે ફિનિશ કરીએ છીએ। તો મેઇન ટોપિક પર આવીએ આપણે મિત્રો, તો અમારી સેમ વન કે લીએ વો બીકોમ હોય એમકોમ હો પેપર સ્ટાઇલ ક્યાં રહેગી મિત્રો। અબ મિત્રો બાત કરે તો ઇસ વિડિયો મેં આપકો મેં એવિડન્સ કે સાથ બતાઉંગા કે આપકી પેપર સ્ટાઇલ ક્યાં રહેગી। તો ભાઈ ઇસમેં કોઈ રોકેટ સાયન્સ નહીં હૈ, ઇટ ઇઝ નોટ રોકેટ સાયન્સ। मैं आपको 17वीं बार मैं बता चुका हूँ और ये 18वीं बार बता रहा हूँ मित्रों कि किसी भी विषय में बॉल बाय बॉल कमेंट हमारे लिए कुछ भी काम की नहीं है। कोई एक चीज़ पकड़ लीजिए और उसके बाद किसी और तरफ मत जाइए मित्रों। तो पेपर स्टाइल इस वीडियो में आपको बना आपको मैं बता दूंगा कम्प्लीटली एविडेंस के साथ की भी आपकी पेपर स्टाइल यहीं आ रही है। और मित्रों अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। तो आपके पेपर स्टाइल में कुल मित्रों 50 मार्क का पेपर रहेगा आपका। ये पेपर स्टाइल में ऑफलाइन एग्जाम के लिए बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन के लिए नहीं। ऑफलाइन 50% का पेपर रहेगा। और मित्रों सर्वप्रथम एक बात कर दीजिए हम तो आपकी पेपर स्टाइल मित्रों आपको आपका पेपर एज पर यूनिवर्सिटी का जो मित्रों एकेडमिक कैलेंडर आया है उसमें ही उन्होंने लिखा हुआ है कि मित्रों एग्जाम आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन। मित्रों आप ऑनलाइन भी दे सकते हो और ऑफलाइन जैसे सभी लोग इस साल दे रहे हैं। आपको ऑप्शन चूज करना होगा, आपको ऑनलाइन देनी है तो आपको ऑनलाइन के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा और ऑफलाइन देनी है तो आपको कुछ भी करना नहीं रहेगा। आपको सिर्फ कॉलेज एग्जाम के 2-3 दिन बाद आपकी रिसिप्ट लेने कॉलेज या फिर ऑनलाइन डाउनलोड करनी होगी, वो आपको कर लेनी होगी। तो अब मित्रों ऑफलाइन के लिए पेपर स्टाइल हम लोग देखें और ऑनलाइन की पेपर स्टाइल मित्रों हम उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा। तो सर्वप्रथम तो आपकी एग्जाम जैसे मैंने आपको अभी बताया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में रहेंगी, आपको चूज करना होगा। अब ऑफलाइन की पेपर स्टाइल क्या है हम देखेंगे। तो आपका 50 मार्क्स का मित्रों पेपर रहेगा जिसमें से आपको दो सेक्शन होंगे, सेक्शन वन और सेक्शन टू। जो सेक्शन वन है अपना मित्रों उसमें सभी क्वेश्चन कुल आपको 4 क्वेश्चन दिए गए होंगे और चारों के मार्क 20-20 मित्रों रहेंगे। मतलब कि आपका ये चारों सेक्शन के मार्क्स सेम ही रहेंगे मित्रों। अब क्या है यहाँ पे और ये पेपर स्टाइल सभी सब्जेक्ट के लिए सेम ही रहेगी मित्रों, मतलब कि दरेक सब्जेक्ट माटे सेम ज रहेवानी छे। अने आ पेपर स्टाइल ड्यूरेशन मित्रों टाइम 2 कलाकनो रहेशे, पहला 2.5 कलाकनो तो परंतु है 2 कलाकनो रहेशे कारण के पेपर पण मित्रों 50 मार्क्सनो अहीं थई गयेल छे। ओके तो હવે તમારી આ પેપર સ્ટાઇલ બધા સબ્જેક્ટ માટે સેમ જ રહેવાની છે, જે ચાહે એચઆરએમ હોય, ઇકો હોય, ઇંગ્લિશ હોય, એકાઉન્ટ હોય કે સ્ટેટિસ્ટિક હોય, આ પેપર સ્ટાઇલ તમારે આવશે સેમ જ। હવે એમાં એમ તો તમને જે વાત કરી મેં આગળ કે કુલ 4 ક્વેશ્ચન હોગે, તો મતલબ આપકો ઇસ 4 ક્વેશ્ચન મેં છે મિત્રો ક્વેશ્ચન 1, 2, 3, 4 ઓર ઇસ ક્વેશ્ચન 1 મે ભી આપકો 2 ક્વેશ્ચન દિયે હોગે, સભી ક્વેશ્ચન મે આપકો એ ઓર બી 2-2 क्वेश्चन दिए हुए होंगे। अब ये जो मेन आपके मित्रों कुल 4 क्वेश्चन है ना उसमें से आपको मतलब कुल मित्रों 3 ही मित्रों आपको कुल 3 नहीं सॉरी हो सॉरी 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 कुल आपको ओनली 2 क्वेश्चन ही मित्रों आपको अटेम्प्ट करने होंगे। कितने मित्रों? ओनली 2 क्वेश्चन, कितने? 2। अब ये 2 मतलब आप मित्रों क्वेश्चन 1 भी अटेम्प्ट कर सकते हो और उसके बाद आपको ये 3 और 2 नहीं आता तो आप डायरेक्ट सीधा 4 पर भी टपक सकते हो। मतलब कि भाई आपको कुछ ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से आप सिंपली से एनी 2 क्वेश्चन आपको मित्रों अटेम्प्ट करने होंगे और ये जो 2 क्वेश्चन है उसमें आपको ए और बी ऐसे 2 अलग से क्वेश्चन दिए गए हैं। मतलब कुल आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे जिसका मार्क मिसो 40 रहेगा और सेक्शन 2 में आपको सिंपली से
आपको 10 मार्क के एमसीक्यू पूछे जाएंगे। दैट मींस ऊपर सेक्शन 1 के 40 प्लस ये 10 2 के और पेपर स्टाइल हमारी हुई 50 मार्क की मित्रों। अभी एमसीक्यू की बात हम कर ले मित्रों, तो एमसीक्यू में क्या है ना, वो लोग कई बार मित्रों कुल 10 एमसीक्यू आपको देते हैं और उसमें से आपको सिर्फ 5 ही अटेम्प्ट करने को देते हैं और कई बार आपको 10 के 10 पूरे भी पूछ लेते हैं। तो हमें भाई सभी चैप्टर के एमसीक्यू प्रिपेयर करने जाना है अपनी बुक्स में से। ये बात हो गई एमसीक्यू की। और अब हमें जो 4 क्वेश्चन में से आपको 2 पूछाने वाले हैं उसकी हम बात करें, तो कुल आपकी यूनिट में आपकी जो भी बुक होगी उसमें कुल 4 यूनिट होगी मित्रों किसी भी बुक में। अब 4 यूनिट हो गए, तो 4 यूनिट में से मित्रों आपको सिंपली से एनी 2 यूनिट ही मित्रों, कोई भी 2 यूनिट आपको प्रिपेयर करने जाने हैं, ये जो क्वेश्चन आएंगे वो वही फॉर्मेट में आएंगे मित्रों। जो क्वेश्चन 1 होगा ना मित्रों आपका, क्वेश्चन 1 वो आपका यूनिट 1 का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन 2 आपका यूनिट 3 में से होगा 2-2 क्वेश्चन, 3 भी आपका यूनिट 3 में से होगा 2-2 क्वेश्चन और 4 भी आपका दोनों ही क्वेश्चन यूनिट 4 में से होंगे। अब हमें कोई भी 2 एनी 2 लिखने हैं तो हमें मतलब कोई भी जो आपने 2 यूनिट किए होंगे मित्रों वो आपको यहाँ पे आते हो क्वेश्चन हो दोनों आपको टिक करने होंगे। मतलब कि हमें सिर्फ 50% सिलेबस ही मित्रों प्रिपेयर करना होगा। ओके, ये बात मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपको। तो ये थी मित्रों अभी पेपर स्टाइल। अब बात करें कि ये पेपर स्टाइल आने वाली है वो हमें कैसे, हम मान ले कई सारे बच्चों का क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए हम देखेंगे गुजरात यूनिवर्सिटी का मित्रों कैलेंडर। ये देखिए मित्रों हम यहाँ पे आ गए गुजरात यूनिवर्सिटी ऑफिशियल कैलेंडर पर, जो कैलेंडर आपका 2020-21 में फॉलो होने वाला है। तो हम यहाँ पे सिंपली से देख ले मित्रों यहाँ पे, तो यहाँ पे इन लोगों ने लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी की एग्जाम जो होगी वो ऑनलाइन ऑफलाइन और डिजिटल माध्यम से होगी। दैट मीन्स मैंने आगे कहा वैसे ही, तो फिर आपको ये पेपर स्टाइल आने वाली है और ऑनलाइन के लिए भी हम वीडियो अपलोड चुनके सीनों में कर देंगे। मतलब इस वीडियो के साबित हो जाएगा, हो गया है कि भाई हमारी पेपर स्टाइल सेम वन के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं आने वाली है मित्रों, यही सेम ही जो चल रही है अभी 50 मार्क वाली वही आने वाली है। तो थैंक्स फॉर सपोर्ट एंड लव मित्रों, आप है तो हम है ऐसी बात है। और यस मित्रों कोई भी क्वेश्चन आप मुझे पूछ लीजिए कॉमेंट द्वारा और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मित्रों। तो थैंक्स फॉर सपोर्ट एंड लव, और चैनल पर नए हो मित्रों तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और रही बात ऑनलाइन एग्जाम की, तो उसके लिए भी हम अलग से वीडियो अपलोड करने वाले हैं, वो वीडियो भी आपको 2-3 दिन में मिल जाएगा। तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइबर्स फॉर every quick update of Gujarat University or anything. Thanks for support and